दुनिया का सबसे बड़ा पाप शुमा पुराण की कथा कहती है, केवल एक पाप ऐसा है दुनिया का जो बहुत बड़ा पाप माना जाता है, और वो है अपने समय को व्यर्थ गंवा देना। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने समय को व्यर्थ गंवाना। जो परमात्मा ने समय हमको दिया है, जो परमात्मा ने हमको समय प्रदान करा है, वो समय हमारा कर्म के प्रति जागरूक हो। जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्म को हम कर रहे हैं, उसके प्रति तुम्हारी जागरूकता होना चाहिए, उसके प्रति तुम्हारा समर्पण होना चाहिए। अरे कल जैसा साउंड कर दो भैया। तुम्हारा समर्पण कर्म के प्रति पूर्ण हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो अपने समय को व्यर्थ गंवाना। आप अगर अपने घर में व्यर्थ बैठे हुए हो, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता नहीं है, किसी कार्य के प्रति तुम्हारी जागरूकता है ही नहीं, तो आप अपने ये ना सोचें कि मैं किसी को अपशब्द कहूँगा तो पाप होता है, या मैं किसी को मार दूंगा तो पाप होता है। एक पाप ये भी होता है कि हम अपने समय का सदुपयोग ना करें, ये भी पाप है। अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लगाएं, अपने समय को हम श्रेष्ठ जगह पर ना लेकर जाएं, ये भी पाप है। इक्कीस हजार छः सौ श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास, सबसे अच्छी श्वास, 21,600 श्वास में से सर्वश्रेष्ठ श्वास अगर कोई होती है तो वो कौन सी होती है, जिसमें हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हों, हम किसी प्यासे को पानी पिला रहे हों, या हम किसी दुखी के जीवन में उसके दुख को काटने में साथ दे रहे हों, तब समझना कि हमारी 21,600 श्वास में से वो श्वास श्रेष्ठ है। तब जानकर रखें कि हमारी उन समय की अवस्था में वो हमारी श्रेष्ठता है, उन श्वासों में हमारी सर्वश्रेष्ठता है। माता